नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को देशभक्त बताया। उनके मुताबिक अगर कोई हिंदू है तो वो देशभक्त होगा ही। महात्मा गांधी पर लिखी एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में भागवत ने हिंदू और देशभक्ति को एक साथ जोड़ा। आरएसएस प्रमुख ने ये बात गांधी जी के हवाले से कही। मोहन भागवत का ये बयान आते ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनीतिक दलों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। तो वार पलटवार, और उस पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। आपको मैं लिए चलूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और निजेश अवस्थी भी मेरे साथ हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी हैं, आप MPCI के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं AIMIM से। और पहला सवाल अवनिजेश अवस्थी जी आपसे ही है, मोहन भागवत का जो बयान है, जो उनका संदर्भ है, उसे किस तरीके से समझा जाए? अखिलेश जी, पहली बात चालक जी ने गांधी जी को कोट करते हुए कही, महात्मा गांधी को कोट करते कही हुई, और महात्मा गांधी के मैं कोटेशन अभी आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। लेकिन जिनकी जुबान पर घोटसे और जहन में जिन्ना है, ना इस देश को समझ सकते हैं, ना इस धर्म को समझ सकते हैं, ना गांधी को समझ सकते हैं। हर समय जिनको घोटते और जिन्ना याद आता हो, जिसकी माला जपते हो, ये वो कैसे इस देश के मसले मर्म तक पहुंच सकते हैं? आप कहे तो मैं गांधी बांग्मे में से, और ऐसा नहीं है, मैं बाकायदा बताऊंगा कि गांधी बांग्मे का कौन सा अंग है। वो गांधी बांग्मे का खंड 25 है, पृष्ठ 191 है। वो लिखते हैं कि गांधी जी ने इसके बाद लिखा है, कुरान और पैगंबर साहब के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने में मुझे हिंदुओं के नजदीक कभी जरा दिक्कत महसूस नहीं हुई, और हाँ, मुसलमानों के अंदर वही आदर भाव वेदों और अवतारों के प्रति उत्पन्न करने में मैंने अलबत्ता दिक्कत अनुभव की है। आप चाहे तो मैं गांधी वांग्मय के 100 खंडों में से कम से कम 1000 ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक है अवनीश जी, मैं आऊंगा अवनीश जी आपके पास आऊंगा। और जो सवाल आपने खड़ा किया है कि गोडसे क्यों लोगों को याद आ गए, उस याद आ जाता है, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बताइए, जो मोहन भागवत का बयान है, उसका कॉन्टेक्स्ट हम क्या समझें, क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए अखिलेश जी, सबसे बड़ी समस्या यही है, ये जो कॉन्टेक्स्ट निकालने की बात है ना, ये जब से इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से आ गया, सारी समस्या हो गई। चलिए हमारा कॉन्टेक्स्ट मत मानिए, नेहरू का कॉन्टेक्स्ट तो मानेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें जिस चैप्टर में उन्होंने हिंदू शब्द का उल्लेख किया है, उन्होंने लिखा है कि यह भारत में रहने वाले सभी भारतीय लोगों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द था, जो 10वीं शताब्दी के आसपास प्रयोग हुआ। बाद में उन्होंने एक और वर्ड लिखा है, इसका सांप्रदायिक अर्थ में प्रयोग करना एक संकुचित और गलत मानसिकता है। हिंदू भारत की पहचान है, जैसे उन्होंने जो संदर्भ कहा, सर्वधर्म संभाव, ये भारतीयता का मूल तत्व है। आप बताइए किसी और मत संप्रदाय में ये है कि इसको मानो तो भी ठीक, इसको मानो तो भी ठीक। और हमारे यहां सिर्फ लिखा नहीं है, लाखों हिंदू मजार पे जाता है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसका मजहब बदल जाता है। आप कहीं भी जाइए, हम बाकी की बात नहीं कर रहे हैं कि आप शैव में जाइए, वैष्णव में जाइए, कि आप बौद्ध मठ में जाइए, कि आप गुरुद्वारे में जाइए, आप जैन मंदिर में जाइए। मैं तो कह रहा हूं मजार पे जाता है, चर्च चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या वहां पे है जो संप्रदाय, जो कहते हैं एक रास्ता, इससे इधर उधर गए तो आप मेरे से पराए हो गए। इसलिए उन्होंने कहा, जो गांधी जी ने भी कहा था, जिसका अभी अभिनिजेश जी उल्लेख कर रहे थे, कि भारत की भारतीयता का मूल पर्याय। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों भारत के भौगोलिक भारत के हिस्से नहीं रह गए, पर यह बताइए ये सांस्कृतिक दृष्टि से किसके हिस्से? भारत की चेतना के हिस्से। जहां भौगोलिक दृष्टि से वो चले गए, ना वो इसको अपना मानता है, यानी पाकिस्तान, ना कोई दुनिया का दूसरा देश ये मानता है कि वो हमारे इतिहास संस्कृति के हिस्से ना होकर उनके हिस्से हो गए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हिंदू इस देश की एक चेतना है जो अविभाजित है, अकाट्य है। वो उस संदर्भ में कहा गया, मगर समस्या बस एक लाइन कह दूं, जब से सन 76 में पूरे अपोजिशन को जेल में डाल के आपातकाल में लोकतंत्र का गला घोट के ये संविधान संशोधन करके सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द डाला गया है, और उसकी विचित्र महत्वपूर्ण व्याख्याएं हुई है, उसके बाद सारी समस्या आई है, उससे पहले इस देश में समस्या नहीं। असीम वकार जी, क्या समस्या उसके बाद ही शुरू हुई जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं? और मुझे जवाब ये भी दीजिए, अगर मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, तो इसमें क्या दिक्कत है, आपत्ति क्या है आप लोगों को?
सर आपत्ति तो हिंदुओं को भी होना चाहिए भाई। मोहन भागवत जी बयान दे रहे हैं, एक जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो मैं समझता हूं उनको अपने बयान और अपनी जबान में और सच्चाई में समन्वय कायम रखना चाहिए। आप बता रहे हैं कि हिंदू देशद्रोही नहीं हो सकता, तो क्या बाकी धर्मों में देशद्रोही होते हैं? आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। और मैं मोहन भागवत जी से आपके चैनल के ये अर्थ तो आपने निकाल लिया ना, बैठे हुए हैं यहाँ पर असीम वकार जी, जवाब दे दें। सवाल ये है, ये अर्थ तो आपने निकाल लिया ना, उन्होंने दूसरा वाली जो बात आप कह रहे हैं, उन्होंने ये बात कहाँ कही? उन्होंने तो इतना भर कहा कि हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, महात्मा गांधी के हवाले से ये बात उन्होंने कही। सुनिए सर मैं तीन नाम ले रहा हूं, सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल, ये उसी आरएसएस के प्रचारक हैं जिसके ये मोहन भागवत जी हैं। और ये तीनों अजमेर ब्लास्ट में दोषी हैं। सुनील जोशी मर गए और भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को आजीवन कारावास हुई, हिंदू हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, हिंदू हैं। सुनिए, मैं हर लाइन में बता रहा हूं। समझौता ब्लास्ट में अभिनव भारत संस्था का नाम आया, और उसके बाद मैं नाम ले रहा हूं, मैं बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूं क्योंकि वक्त कम होता है। जवाब दीजिए, लंबी लिस्ट लेकर बैठ गए हैं। नाम का एक आदमी उत्तराखंड का, सुनिए, उत्तराखंड का रमेश सिंह नाम का आदमी, ठीक है, असीम वकार आपकी बात हो गई ना, आपने कहीं नाम की बात, ये तो जवाब तो देने दीजिए। सुनिए सर, एक और ले लीजिए, संदीप गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का संदीप गुप्ता लश्कर ए तोयबा के लिए काम करता। जवाब दीजिए ना डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू है। जवाब देखिए, असीम वकार साहब जो कह रहे हैं ना, यही तो समस्या है, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रेट। आपको हिंदू संस्कृति की समझ जानते क्या? हिंदू में कोई पैदा होने मात्र से नहीं हो जाता। जब तक हमारे यहां 16 संस्कार कहे गए, तब से पर जब आप संस्कारित होकर उसमें दीक्षा लेते हैं तब आप माने जाते हैं। ज्यादातर जातियों को अक्सर द्विज भी कहा जाता था। दो बार जन्म लेना पड़ता है हिंदुओं में, एक बार शरीर का जन्म और एक बार संस्कार का जन्म। इसलिए जो उस विचार में आस्था रख लेता है, आपने तो ये बात बोली ना, अरे मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी की बात तो एक अलग रखी, वो तो जन्म से भी थे। मैडम ब्लावतस्की, मैडम भीखाजी कामा, ये जितने लोग थे जिन्होंने की एक अलग आस्था रखी, चाहे इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद, नाम मैंने लिए, अब मैंने लिए, इन पर टिप्पणी कीजिए कि ये हिंदू हैं। अरे मैं इसे बता रहा हूँ, इनको हिंदू मानते हैं या नहीं मानते, ये अरे हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं मान्यवर। सर मध्य प्रदेश समस्या जानते क्या है सर, आप काबिल आदमी हैं। अरे भाई आप बोल रहे हैं तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप जो बोल रहे हैं तो मैंने बोलने दिया, काबिल आदमी है आप, राज्यसभा सदस्य भी हैं आप, देश में सत्ता करने वाली पार्टी। अरे आपके बोलने में मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, छोटे लोग मकान जी, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आपको आपत्ति लगे तो बोलिएगा सर। यहाँ समस्या जानते क्या, बोलने दीजिए असीम वकार, आप उसमें टिप्पणी नहीं कर रहे, असीम वकार बोलने तो दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी को सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा, उस पर नाम ही नहीं आया। अरे मैं सर आपको समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा, ऐसे में कोई किसी को सुन नहीं पाएगा ना, दोनों लोग समानांतर में बोलेंगे। तो सुधांशु जी बोलिए। नहीं आप जो बात कह रहे हैं ना, हिंदू पैदा होने का मतलब वो हिंदू में आस्था रखे ऐसा नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग के 90% लोग हिंदू है, जो सीधे कहते हैं कि साहब भारत में 22 टुकड़े होने चाहिए, जो कहते हैं कि साहब हमारे हिसाब से तो राम वहां थे ही नहीं, ये कहने वाले भी हिंदू ही थे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके नहीं, नहीं, लेकिन मोहन भागवत तो ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आपने जो बात कह दी टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर जो कह दिया आपने, बातें नहीं, सवाल तो सुन लीजिए, अब आप एक सवाल सुन लीजिए सुधांशु जी। सर अब मुझे पता है बड़े प्रखर प्रवक्ता है, सुन तो लीजिए, अब जो बात आपने कह दी टुकड़े टुकड़े गैंग के संदर्भ में कि उसमें 90% हिंदू है, तो सुन तो लीजिए, मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि कोई हिंदू खुद ब खुद राष्ट्रभक्त होगा, अगर कोई हिंदू है तो कोई भी हिंदू राष्ट्र विरोधी हो ही नहीं सकता। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं मान्यवर, हिंदू संस्कृति को समझिए, हिंदू धर्म है, संप्रदाय नहीं है। अरे आप कुछ नहीं कह रहे, यही वजह से बाकियों में समस्या। अरे भाई मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं मान्यवर, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। अब मैं बताता हूं इनके साथ समस्या क्या है। ये नाम देख के तय कर देते हैं कि साहब अगर उसके नाम में भावेश पटेल है तो वो हिंदू है और वह देशभक्त नहीं, देशद्रोही भी है। और वही मुस्लिम में नाम देख के तय कर लेते हैं कि भाई अगर मान लीजिए बुरहान वानी का नाम बुरहान वानी है तो वो मुस्लिम हो गया, चाहे देशद्रोही की बात कर रहा हो। अफजल गुरु नाम उसका मुस्लिम है तो वो हमारा हो गया, चाहे देशद्रोही हो। ये जो आप तय करते हैं केवल नाम देख के जनाब, यह धर्म है या चेतना का प्रतीक है, किसकी आस्था है वह देख के तय करिए।
किसके आधार पर तय करेंगे तो होगा। यही समस्या है आपकी कि आप सरनेम देख, चलिए अब मैं बहस में डॉक्टर तस्लीम रहमानी को लाना चाहूंगा, और अन्यथा सरनेम देख के आप उसको देशद्रोही करने लगे। चलिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तस्लीम रहमानी जी, वही सवाल जिसका जवाब मुझे असीम वकार ने नहीं दिया। सर मैं अगर अगर जवाब देना चाहता वकार साहब एक मिनट, मेरे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर तस्लीम रहमानी हैं, एमपीसीआई के आप प्रेसिडेंट हैं। तस्लीम रहमानी जी, अगर मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों हाय तौबा? मेरा बुनियादी सवाल यही है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मोहन भागवत जी ने कोई पहली बार ये बात नहीं कही और कोई नई बात नहीं है। ये आरएसएस की फिलॉसफी है, पिछले 100 साल से यहाँ चल रही है। बल्कि जब आरएसएस नहीं बना था तब भी हिंदुत्व था। मैं बहुत सारे नाम कोट कर दूंगा, 1827 में हिंदू रेनिजा के मूवमेंट से लेके अब तक यही एक फिलॉसफी चली आई है कि हिंदू ही पेट्रियट है और इसके अलावा कोई और पेट्रियट नहीं है। जहाँ तक गांधी जी को अलावा वाली बात उन्होंने कहा कही है, वो तो हिंदू पे ही आके रुक गया, अलावा वाली बात कही क्या उन्होंने? वो अपने आप ही आ जाता है। वो कहते हैं कि हिंदू के अलावा कोई रहता ही नहीं है, सारे के सारे हिंदू है, जिसको हम लोग नहीं मानते, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान नहीं मानता कि सबके सब हिंदू है, इसलिए मैं अलावा वाली बात कह रहा हूँ। दूसरी बात यह कि गांधी जी का जो हिंदुत्व है, जो हिंदुइज्म है, नॉट हिंदुत्व, वो तो राम राज्य की परिकल्पना ही वो देता है। तस्वुर राम राज्य का पेश ही महात्मा गांधी ने किया है इस हिंदुस्तान में सबसे पहले, उसी राम राज्य की कल्पना को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मोहन भागवत जी और पूरा का पूरा आरएसएस। लेकिन क्या उसका अर्थ कि कोई पेट्रियोटिज्म का अर्थ मोहन भागवत जी के नज़दीक क्या है, ये उनको बताना पड़ेगा। वो सारे सवालों के जवाबों से दूर भाग जाते हैं, एक तकरीर करके वो निकल जाते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस क्या है। जो गांधी जी का हिंदू है, वो गांधी तो वो कहते हैं मैं तो जन्म से हिंदू। सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं आपको इतनी लंबी बात जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी। सुधांशु त्रिवेदी जी बता दीजिए, हिंदुत्व अलग है, समझाइए, कंफ्यूजन कहां है? अरे कंफ्यूजन है उनको भी। हां तो कंफ्यूजन है तो दूर कीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, भी कंफ्यूज है। 1995 में जस्टिस श्रीवास्तव ने ये कह दिया कि हिंदुत्व तो धर्म ही नहीं है, और गांधी जी उसको धर्म मानते थे, आज मोहन भागवत जी उसको धर्म नहीं मानते। चलिए ठीक है, अब जवाब लीजिए, आपने लंबा बोला डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब दीजिए। और साथ में एक सवाल इसमें मैं जोड़ दूं कि देशभक्ति धर्म हो या धर्म से हो देशभक्ति? हाँ, अब मैं बताता हूं। देखिए, जो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा, ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, परंतु इन्होंने 1995 के संदर्भ में जो आपने कोर्ट का कहा, कोर्ट ने कहा हिंदुत्व तो मजहब नहीं है, संप्रदाय नहीं है, रिलीजन नहीं है। हिंदुत्व तो धर्म है, रिलीजन नहीं है। और धर्म होता जैसे धरती है, रिलीजन होते उस पे बने हुए रास्ते, रास्ते बनते रहते बिगड़ते रहते, रास्ते की एक पहचान होती है, धरती सारे रास्तों को धारण करती है, इसीलिए धारण करने वाली शब्द, इसीलिए हिंदू रिलीजन नहीं है, ओनली रिलीजन वर्ड कहा है। सुधांशु जी, यू आर मिसकोटिंग, नहीं कहा है धर्म का कोई अंग्रेजी में पर्यायवाची नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन जो भी जजमेंट अंग्रेजी में होते हैं, यस यस, धर्म का कोई अंग्रेजी में पर्यायवाची नहीं है। और हाँ, यही नहीं, यही क्रक्स आपको बता रहे, क्योंकि धर्म का दुनिया की किसी सभ्यता में कोई पर्यायवाची नहीं, क्योंकि धारण करने धारण धातु से ही धरती बनी है, धारण धातु नहीं है, है अरबी में है, अरबी में है, अरबी में है, धर्म का पर्यायवाची दीन है, धर्म का पर्यायवाची दीन अरबी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है, ये ठीक है इंग्लिश में नहीं है, मगर अरबी में धर्म का पर्यायवाची दीन का शब्द है। दीन और धर्म एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक संपूरक है। प्लीज देखिए, दीन तो डिवोशन, आप दीन शब्द को पढ़ लीजिए, धर्म जो है दीन शब्द का। चलिए इन गूढ़ बातों से बाहर निकलते हैं और मोहन भागवत के जिस बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, सुधांशु जी अगर छोटे में आप जवाब देना चाह रहे हैं तो जल्दी दीजिए, फिर मैं अब निजेश अवस्थी के पास जाऊंगा। मैं उसी पॉइंट पे कह रहा था कि जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया वो अंग्रेजी के शब्दों में पर्यायवाची नहीं, इसलिए वो उसका मिक्सअप करते, यही तो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन की समस्या है। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जब आप भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं देशभक्ति कहां से क्रिएट होती है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भाई ननकाना साहब और उनका उदाहरण दिया, अब मान लिया आप, मैं भगवान बुद्ध में यकीन रखता हूं जैसे डॉक्टर अंबेडकर रखते थे, तो आप बोध गया से भी जुड़ गए, आप सारनाथ से भी जुड़ गए, और बौद्ध तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र तिब्बत है, वहां के जगहों से भी जुड़ गए, और महाबलीपुरम जहां से बोधि धर्म चीन गए थे वहां भी जुड़ गए, पूरे देश से आप जुड़ जाते हैं।
आपने कहा जी मैं तो देवी का भक्त हूं, तो आप कन्याकुमारी से जुड़ गए, मुम्बा देवी से जुड़ गए, कामाख्या से जुड़ गए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपने अच्छी बात कही, तो मैं यहीं से एक सवाल पूछना चाहूंगा अवनिजेश अवस्थी जी से। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, जरा बताइए देशद्रोही अगर कोई है तो उसका फिर धर्म क्या होगा? मैं तो यह कहता हूं कि देश से बढ़कर धर्म क्या होगा? अखिलेश जी मैं नहीं कह रहा, अभी इसी प्रोग्राम में तस्कीम रहमानी ने कहा कि मोहन भागवत जी तो यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को हिंदू मानते हैं, तो ये कहा हो गया कि सिर्फ हिंदू देशभक्त है और बाकी धर्मों के लोग, बाकी पंथों मजहबों के लोग देशभक्त नहीं है? ये किसकी राजनीति है? ये किसके दिमाग की? मोहन भागवत जी मानते रहे, जो मोहन भागवत जी ने कहा, मोहन भागवत जी मानते रहे, देश नहीं मानता, देश भी नहीं मानता, देश नहीं मानता, देश नहीं मानता। अरे नहीं नहीं, यही यही रेडिकलाइजेशन है, यही रेडिकलाइजेशन है। बयान पर नहीं हो रही बहस, रेडिकलाइजेशन ये है कि जो मोहन भागवत कहे वो मानना पड़ेगा सारे देश को, यही रेडिकलाइजेशन है और यही वायलेंस है, यही इकट्ठा करता है। बाबरी मस्जिद के ऊपर हजारों हजारों रेडिकलाइज आरएसएस के हिंदुत्ववादियों को यही इकट्ठा करता है, यही वायलेंस को। चलिए मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, गर्मा गर्म बहस हो रही है लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और मैं यहां से शुरू करूंगा। जो असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, जो बात कही मोहन भागवत ने, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछ दिया कि गांधी जी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहना है। हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, मोहन भागवत ने ये बात कही, ये बयान दिया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए एक सवाल पूछ दिया और असदुद्दीन ओवैसी का सवाल ये था कि गांधी जी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहना है। और सीधे सुधांशु त्रिवेदी जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, गोडसे ने महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की। ये बताइए गांधी केवल एक हाड़ मास के आदमी थे क्या? हम गांधी जी पे क्यों डिस्कशन करते? एक आदमी नहीं थे वो, एक विचार, एक वैचारिक अधिष्ठान थे जिसने पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। और वो वैचारिक अधिष्ठान उनका क्या था? उनका पॉलिटिकल विजन था राम राज्य, उनका नृत्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। और गांधी की आत्मा की हत्या उस दिन हुई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहा गया कि राम थे ही नहीं, उस दिन हे राम झूठा हो गया, राम राज्य झूठे हो गए, गांधी की आत्मा की हत्या हो गई। मैं कहता हूं गांधी शरीर का हत्यारा और आत्मा का हत्यारा क्यों नहीं बोलते हो कि गांधी की आत्मा का हत्यारा दोषी? गांधी एक विचार है वैचारिक, एक राम नहीं, नहीं, रामवादी, एक रामवादी, एक रामवादी के शरीर की हत्या करना किस बुनियाद पर जायज है? आप कह रहे हैं कि वो जायज था? क्या आप कह रहे हैं कि नहीं जायज? मैंने नहीं कहा राजवादी, मैंने तो दोषी शब्द बोला। फरमा रहे हैं रहमानी साहब, आप नहीं, आप फरमा रहे हैं कि रामवादी के शरीर की हत्या की, तो एक रामवादी के शरीर की हत्या वो दोषी है, पर एक रामवादी के शरीर की हत्या का कारण क्या है? अवनिजेश जी बोलिए। मैंने कहा वह दोषी है, परंतु आत्मा का हत्यारा उससे बड़ा दोषी बोलिए तो। अरे बोलिए तो भाई, देखिए मैं हिंदू मानते हैं या नहीं, आप उसे अवनिजेश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे थे बॉम्बे से, बोलिए। आप उसे रहमानी साहब को चुप करिए, अभी बारी बारी से बोलिए, अवनिजेश जी को बोलने दीजिए। हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं, खुद रहमानी साहब ने कहा कि भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी भी मजहब पंथ या किसी भी उपासना पद्धति का हो, उसे हिंदू मानते हैं। और उस कारण से हमें अबुल कलाम आजाद हो, राष्ट्रपति अबुल कलाम हो, ब्रिगेडियर उस्मान हो, रस खान हो, रहीम हो, गोस्वामी तुलसीदास हो, कबीरदास हो, सूरदास हो, कोई भी हो, वे सब देशभक्त हैं। उनकी उपासना पद्धति कुछ भी हो सकती है, हाँ उनकी नहीं हो सकती जो चोरी चोरी टर्की जाकर के वहां से सहायता मांगते हैं, उनकी नहीं हो सकती जो यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि अगर हम इस्लामिक देशों से अपना न्याय मांगेंगे, उनको हम नहीं मानते, ना वो हिंदू है ना वो यहाँ के किसी नागरिक रहना चाहिए। चलिए इसलिए क्या है, मोहन भागवत ने जो बयान दिया और उस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो सारी चीजें, वो तमाम जो उसके अर्थ निकल रहे हैं, मायने मतलब है, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। तो एबीपी न्यूज पर आप ये बड़ी बहस देख रहे हैं और मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसी पर आज की हमारी ये चर्चा है तमाम खास मेहमानों के साथ। आप समझिए आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या, उनका जो बयान है वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि मोहन भागवत ने अपने बयान में किन बातों का उल्लेख किया है। उनका साफ साफ ये कहना था कि देशभक्ति को लेकर हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता है, कोई हिंदू हो तो खुद ब खुद वो राष्ट्र भक्त होगा। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने।
एक प्रवृत्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, कम से कम भारत में होती है, वो इस भूमि को पवित्र मानता है, इस भूमि को अपना मानता है। तो एक आत्मीयता पूर्वक पावित्र्य की भावना इस भूमि में वो रखता है, वो उसकी पूजा भी करता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियॉट या नहीं, हिंदू है तो पेट्रियॉट होना ही पड़ेगा, उसको मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है, सोया हुआ पेट्रियॉट रहता है और जागृत पेट्रियॉट रहता है, ये हो सकता है। लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। तो मोहन भागवत का ये बयान आपने सुना, मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। सैयद असीम वकार मेरे साथ हैं, AIMIM के नेता हैं। वकार साहब, दिक्कत क्या है? मोहन भागवत ने जो बात कही, आप क्यों पहुंच गए गोडसे तक? सर, पिछली बार जब आपने, सर जब पहली बार मौका दिया तो मैंने 10 नाम लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी ने ना उन नामों को ऑन किया ना डिसऑन किया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ बुरहानवाली का नाम आता है तो पूरा इस्लाम आतंकवादी, हाफिज सईद का नाम आया तो पूरा इस्लाम आतंकवादी। और आप ये भूल जाते हैं कि यही इस्लाम में उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान पैदा हुए, इसी इस्लाम में अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए, इसी इस्लाम में APJ अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए, इसी इस्लाम में अशफाकउल्लाह खान पैदा हुए। वो तो आप भूल जाते हैं, पूरी कौम को आप आतंकवादी खड़ा कर देते बनाकर। दूसरी बात, दो नाम और ले रहा हूं, अगर दिल चाहे सुधांशु जी इस बार या तो इनकार करिएगा या मान लीजिएगा। वैभव राउत नाम का एक महाराष्ट्र का हिंदू सनातन संस्था का आतंकवाद में पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, आज भी जेल में। आपके भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा नेता ध्रुव सक्सेना इसलिए गिरफ्तार हुआ कि वो ISI का एजेंट, ISI मतलब पाकिस्तान से पैसा लेकर भारत से गद्दारी कर रहा था, देश से गद्दारी कर रहा था। ध्रुव सक्सेना BJP का मेंबर, RSS से जुड़ा हुआ आदमी, तो आप इसको डिसऑन करेंगे ऑन करेंगे? जवाब दीजिए सुधांशु, कैसे मान लें हम आपकी बात कि हिंदू देशद्रोही नहीं होता? जो इन्होंने अभी पहले बोला है, सर हैं, देखिए मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। अरे असीम वकार ने जो अपनी बात पहले बोली उसी में सब कुछ सिद्ध हो गया। ब्रिगेडियर उस्मान तो है मुस्लिम, मगर उनकी कब्र जिस हालत में है, कितने गए आपके पार्टी के सेक्रेटरी के सूरमा बोलिए, आजमगढ़ में उनका घर है, आतंकवाद के आरोपियों पे, बटारा हाउस इनकाउंटर के आरोपियों पे सिद्धा करने गए आपकी पार्टी के लोग, गए कोई ब्रिगेडियर उस्मान के घर? पहली सेनाई बजाई अब उस्ताद बिस्मिल्ला खाने, गए कोई उनके घर? डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कितने गए? गए तो याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में, ये बताइए रस खान के घर कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के यहां कभी गए, गांव में कभी गए? आलम शेख के गांव में कभी गए? अब्दुल रहीम खान खान, सर जो पूछा है सर उसका जवाब दे दीजिए। मैं ध्रुव सक्सेना के बारे में पूछ रहा हूँ, वो आपका आदमी था कि नहीं था? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए सर, मैं ध्रुव सक्सेना के बारे में पूछ रहा हूँ, मुसलमानों से नहीं जोड़ते उसको, आपको बिलोंग करता था कि नहीं करता था? बुरहानवाली मेरा, अफजल गुरु मेरा, इशरत जहां बेटी, या आप कहते हैं जाकिर नायक शांति का मसीहा? हम नहीं कहते, हमने तो वो नाम गिनाए जिनके ऊपर ये देश नाश करता है। फिर मैं वही कह रहा हूँ आपके साथ, यही है, आप तो सरनेम देख कर तय करते हैं। हिंदू, और मैंने आपके नेता का, आपकी पार्टी के लीडर का, आप उसे ओन कर जवाब दीजिए। अवनिजेश जी जवाब आपको दे रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी बोलिए। असीम वकार जी, आप तो वैभव राउत और ध्रुव सक्सेना का नाम ले रहे हो, मैं तो जयचंद का नाम लेता हूँ। जयचंद भी नहीं था, जयचंद भी गद्दार था, जयचंद अभी बहुत सारे था। मैं अकबर के दरबार में रहने वाले मानसिंह को भी नहीं मानता, औरंगजेब के साथ रहने वालों को भी नहीं मानता। बोलो आप, बोलो कितने नाम गिनाओगे? मैं नाम गिनाता हूं आपको। लेकिन उस आदमी आजीवन कारावास भी काट रहे, टेररिस्ट थे कि नहीं थे? कैसे मालूम हिंदू आतंकवादी नहीं होता? मुगल हमलावर बाहर से आए, बाहर से आए यहाँ पर,
गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे एक बात बताइए, चलिए सबके पास अपने अपने नाम है, दोनों के पास अपनी अपनी लिस्ट है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि देशभक्ति धर्म हो या धर्म से देशभक्ति हो, सुधांशु त्रिवेदी जी, देशभक्ति धर्म हो या धर्म से देशभक्ति? नहीं मैं उसी कह रहा हूँ। हाँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए देखिए जो असीम वकार और तस्लीम रहमानी साहब वो सीमेटिक डेफिनेशन में जाके फंस जाते हैं। जो अवनिजरे जी ने बोला मैं और आगे बोलता हूँ, सुनिए असीम वकार साहब, रावण भी हिंदू था और ब्राह्मण था, कंस भी था, परंतु वो राक्षस माना गया हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ कहा गया रामचरितमानस। जब तक आप अपने चरित्र का परिवर्तन नहीं करेंगे, स्वचरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीव्याम सर्वमानवा, तब अपने चरित्र की शिक्षा लेने आते हैं, वह सही माना गया। और यदि आपका चरित्र सही है तो आप अगर भगवान को न माने तो भी आपकी गति है। हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन भी है। हमारे यहाँ कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावा, सर्वधर्म संभाव सिर्फ हिंदू संस्कृति में है। असीम बकार साहब, अच्छा आपने बहुत पूछ लिया, आप दुनिया कोई मजहब बताइए जो कहता हो किसी को भी मानो चलता है, बोलिए सर। हमारे क्या भी कुरान में यह है कि लकुम दीनकुम वली दीन, जवाब दीजिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, कि सर धर्म संभाव में कौन विश्वास करता है आप बताइए। आजकल हम करते हैं सर, होती है ना, हम करते हैं सर, कुरान में आयत है लकुम दीनकुम वली दीन, तो फिर काहे करे लकुम दीनकुम वली दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, हम करते हैं सर। तो फिर कन्वर्जन क्यों होता है? करते हैं फिर सामने रहमत की सरजमीं में आ जाओ, ये क्यों कहा जाता है भाई? आपकी आइडियोलॉजी नहीं है सर। अच्छा चलिए तो बताइए दुनिया का एक, चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप सभी ने सर। मेरा सवाल जो है अनुत्तरित रह गया है, उसका जवाब मिल नहीं पा रहा है मुझे। मेरा जो सवाल है कि देशभक्ति धर्म हो या धर्म से देशभक्ति हो, सुधांशु जी। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ, हमारे हिसाब से यह देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह देश एक राष्ट्र है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, और जो इस राष्ट्र में विश्वास करता है वही इस राष्ट्र का भक्त हो सकता है। राष्ट्र में रहने वाला भी यदि इस राष्ट्र की धारणा में विश्वास नहीं करता तो नहीं हो सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, जिसके पहले प्रधानमंत्री थे अहमद सुकार्नो। जब भारत आए थे तो चलते समय जब नेहरू जी ने उन्हें गिफ्ट दिया तो उन्होंने कहा मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। कहा क्या? तो उन्होंने कहा चार घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि आप मुस्लिम राष्ट्र के प्रधानमंत्री होकर यह क्या मांग रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा था? By change of circumstances, we might have changed our way of worship, but we cannot change our forefather. हमारी आस्था जुड़ी रह सकती है, पूजा पद्धति कुछ भी हो सकता ठीक है, पर अगर आस्था इस धरती से हट गई तब फिर देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह। चलिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि देशभक्ति धर्म या धर्म से देशभक्ति? देखिए देशभक्ति का धर्म से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, और इसीलिए अब आरएसएस की इस आइडियोलॉजी को मानते नहीं हैं कि देश में रहने वाला हर भारतीय हिंदू है। हम इसे नहीं मानते, आरएसएस मानता होगा, देश नहीं मानता, देश का संविधान नहीं मानता, एक बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ पेट्रियोटिज्म के बारे में, सुधांशु जी से भी, अभिनेश से भी, वो जो हजारों गुंडे भगवा झंडा आरएसएस का हाथ में लेके बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे थे, क्या वो पेट्रियोट थे? वो हजारों लोग जो जय श्री राम का नारा लगा के गुजरात में भारतीय मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे, क्या वो देशभक्त थे? अभी तीन दिन पहले मध्य प्रदेश में भगवा झंडा लेके मस्जिद में खड़े थे और आतंकवाद मचा रहे थे, क्या वो देशभक्त थे? अरे ये आरएसएस के टीम, ये आरएसएस के टीम वायलेंस को एंडोर्स कर रहे हैं, ये हिंदुत्व वायलेंस ये है, ये हिंदुत्व आतंकवाद को एंडोर्स कर रहे हैं। कल आरएसएस के टीम ने राष्ट्रभक्ति के नाम पर हिंदुत्व आतंकवाद को एंडोर्स किया है, उन्होंने साधवी प्रज्ञा को एंडोर्स किया है, मालेगांव में जो जाके उसे पार्लियामेंट में बैठ के राष्ट्रभक्ति बताई जाती है, नहीं मानेगा कोई ये राष्ट्रभक्ति। अरे छोड़िए, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, वो तीन दिन पहले मध्य प्रदेश में भगवा झंडा हाथ में उठा के मस्जिद के ऊपर गाड़ रहे थे, क्या वो राजभक्त थे? क्या उसका राजभक्ति से कोई ताल्लुक है? ये स्वामी अच्छी मदद का राजभक्ति से कौन सा ताल्लुक है ये बताइए। बाहर निकलना चाहता हूँ, एक मिनट जरा शांत हो जाइए, ऐसे में कोई किसी को सुन नहीं पा रहा, आप दोनों लोग एक साथ बोले जा रहे हैं, और मैं अब एक मिनट सुन लीजिए। सैयद असीम वकार काफी देर से खामोश हैं। वकार साहब, आपके सामने एक बयान में पढ़कर सुना रहा हूं, मोहन भागवत ने जिसका जिक्र किया, ये महात्मा गांधी का बयान है।
गांधी जी ने यह कहा था कि उन सुनिएगा, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। गांधी जी ने कहा था कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई। क्या महात्मा गांधी सही थे या गलत? सर इस्लाम में बहुत साफ साफ कहा गया है, महात्मा गांधी के बयान पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, एक मिनट असीम वकार जी, अगर देश भक्त इस बयान के संदर्भ में तो बताइए गांधी जी का देशभक्ति, देशभक्ति एक मुसलमान का आधा ईमान है। सर सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे गांधी जी कहा गया है कि मुसलमान का आधा ईमान देशभक्ति है और आधा ईमान में बाकी सब है। समझिए बात को, इस बात की गहराई को। ये भागवत जी नहीं समझ सकते, अरे मैं तो गांधी जी के बयान के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं समझ सकते। असीम वकार साहब, जी भी नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी के बयान को मैंने कोट किया और उस पर मैंने सवाल पूछा, आप बोलने को राजी नहीं है। अगर गांधी जी कहते हैं कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई है, आपको क्या लगता है सही थे कि गलत थे? सर हम पैदाइशी देशभक्त होते हैं। अरे मैं तो गांधी जी पैदाइशी देशभक्त हैं, उनकी हुई होगी सर। हाँ उन्होंने भी सही कहा था। रहमानी साहब बोलिए, गांधी जी देशभक्त है, हिंदू हो गए तो क्या अर्ज है, क्या अर्ज है इसमें, नया क्या है इसमें, नया क्या है? मैं देशभक्त इसलिए हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। चलिए मेरे मेरे धर्म में बोलिए बोलिए। के साथ जिनको पूछेंगे तुम ठेकेदार नहीं लगे हो, कौन कहा गया था तुमसे? मैंने पूछा नहीं कि तुम इजराइल इजराइल क्या क्या चुभने गए थे, क्या चुभने गए थे इजराइल, तुमसे पूछा नहीं है और जरूरत भी नहीं है। देखिए जब आर एस एस की देशभक्ति है कि जब जवाब नहीं रहता तो जातियात को उतर आते, ये आर एस एस की देशभक्ति है। जब जवाब नहीं रहता तो जातियात, सुनने का धैर्य तो रखिए एक मिनट। अरे तस्लीम रहमानी जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए फिर मैं आपको समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा। पर्सनल अटैक वो करते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता, और व्यक्तिगत एक दूसरे पर हम टीका टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। सुधांशु जी देखिए, धर्म में आस्था होने पर ही व्यक्ति की राष्ट्र में आस्था होगी, उसका आवश्यकता इसलिए है कि लोकसभा अध्यक्ष की चेयर के पीछे क्या लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तन आए। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे क्या लिखा है, यतो धर्मस्ततो ततो जय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे जो अशोक का चक्र है वो क्या है, सारनाथ का धम्म चक्र। यदि किसी की धर्म में आस्था नहीं तो उसकी राष्ट्र में आस्था नहीं हो सकती। धर्म और मजहब को अलग करके समझिए। और असीम वकार जी ने जो बोला, देखिए इसे बुरा मत मानिएगा असीम वकार जी, आपने कहा कि हमारी तो बड़ी आस्था है और मुस्लिमों की बड़ी आस्था है, तो मेरे विचार से उस आस्था को अपने अपने देश की भक्ति के लिए जागृत करिए, अन्यथा बुरा मत मानिएगा। वो कितनी देश भक्ति है सबको दिखाई पड़ रही है, थाईलैंड से लेके बर्मा तक, श्रीलंका से लेके चाइना तक, चेचेनिया से लेके बोस्निया हर्जेगोविना तक, चेकोस्लोवाकिया से लेके फ्रांस तक, बेल्जियम से लेके इंग्लैंड तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, वो यहाँ भी दिखाई दे, और सूडान से लेके वो बाबरी मस्जिद से लेके गुजरात तक, आगे गुजरात से मध्य प्रदेश तक यहाँ भी दिखाई दे रही है। बाबरी मस्जिद और गुजरात से मध्य प्रदेश तक आपकी देशभक्ति भी दिखाई दे रही है, मोहन भागवत की देशभक्ति भी दिखाई दे रही है, वो भगवा झंडे की देशभक्ति भी दिखाई दे रही है, वो पाकिस्तान के लिए बारी बारी से। तस्लीम रहमानी अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं अपने पाकिस्तान की जासूसी करने वाले, पाकिस्तान की जासूसी करने वाले जितने लोग पकड़े गए सब हिंदू थे, दिखाई दे रही है देशभक्ति। वो कैसे आप देशभक्ति को आप बंद कर सकते हैं एक धर्म के दायरे में, किसी धर्म के दायरे में तो फिर आप ही बात करना। अगर आप ये पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं जितने लोग पकड़े गए सभी हिंदू हैं, क्या प्रमाण है आपके पास इसका? तस्लीम रहमानी, सब हिंदू है, सब हिंदू है सारे, आप जाइए स्टैटिस्टिक उठा के देख लीजिए, एसपी रोज करते हुए जवाब दीजिए, एसपी रोज पकड़े गए सारे आर्मी से, आर्मी के साथ सब हिंदू है, वो देशभक्त है, बताए आरएसएस के चीफ। हाँ अवस्थी जी बोलिए जल्दी। ऐसा है कि रोहिंग्या आए बाहर से, देश के नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम हैं इसलिए तस्लीम रहमानी उनका पक्ष लेते हैं। पाकिस्तान से, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ा जाता है, वहां पे सिख लड़की का अपहरण होता है, आरएसएस की प्रॉब्लम ये है, आरएसएस से मोहन भागवत से लेके अविनाश अवस्थी तक आरएसएस की प्रॉब्लम ये है
कि इनके पास जब विषय पे बात करने के लिए कुछ नहीं रहता तो ये पर्सनल हो जाते हैं। इनके पास आर्गुमेंट नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। अच्छा, मेरे पास जवाब नहीं है, आप सभी मेहमानों से मैं छोटे में चाहूंगा अगर मुझे आप जवाब दें। मैं सुधांशु जी से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, मैं चारों लोगों के पास आऊंगा। देश बड़ा या धर्म? सुधांशु जी पहले आप। देखिए, हमारे यहाँ तो राष्ट्र धर्म है भाई, हमारे यहाँ धर्म और राष्ट्र में कोई मतभेदी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ कहा गया इस देश के लिए, जानते क्या कहा गया? मैं एक वर्ड कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कहा गया गायन्ति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ हुआ देवता भी जिसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं और स्वर्ग के समस्त सुखों का उपभोग करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने को जिस धरती पर लालायित रहते हैं, चूंकि वह दुनिया की मोक्ष भूमि है, उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। यदि मेरा इतना आगाज तो देश बड़ा मानते हैं ना, पद्धति कोई भी हो आप राष्ट्र, तो मातृभूमि को देश को बड़ा मानते हैं ना फिर धर्म से? बिल्कुल, जो मातृभूमि के प्रति समर्पण रखता हो। यही सवाल आपसे, समय नहीं है, असीम वकार जल्दी से। और जो कहता हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश बड़ा, देश बड़ा या धर्म, जल्दी जल्दी, समय नहीं है सर। बोल दीजिए सुधांशु जी, सिर्फ इतना बोल दीजिए सर सिर्फ इतना इनसे पूछवा दीजिए कि ध्रुव सक्सेना। अरे आपसे मैंने सवाल क्या पूछा, समय नहीं है ना, आप सवाल का जवाब देने से बचने का ये तरीका मत निकालिए, बिल्कुल समय नहीं है। अब मुझे वाइंड अप करना है, देश बड़ा या धर्म जवाब दीजिए सर। मुझे एक मिनट में एक बात बोल दूं तस्लीम रहमानी, देश बड़ा या धर्म? चलिए, समय नहीं है मेरे पास। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, लेकिन मैं चाहता था कि आप चारों लोग साफ गोई से, ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब देते कि आपके लिए देश बड़ा है या फिर धर्म। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।